मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। बेशक ये बोल एक फिल्मी गाने के हैं, लेकिन भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के सच्चे कार्यकर्ता पलड़ा निवासी अजय पाल ने इस गीत से जोड़कर कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर की सकतपुर गांव के घर घर जाकर व्याख्या की। बादशाहपुर बेल्ट के गांव सकतपुर गांव के घर घर में जाकर लोगों से राव इंद्रजीत सिंह को वोट करने की अपील की। अजय पाल ने कहा कि राज बब्बर की कहानी एक मुसाफिर की तरह है, जो एक जगह कभी नहीं रुकता और चलते जाता है। ऐसे व्यक्ति का सांसद बनना अथवा नहीं बनना बराबर है। राव इंद्रजीत सिंह ने वर्तमान क्षेत्र में विकास का पहिया घुमाया है, जिसे भविष्य में और तेजी से घुमाने के लिए अगले 5 साल उन्हें व नरेंद्र मोदी को और देने की जरूरत है। सकतपुर गांव में अजय पाल ने गांव के लोगों को भाजपा की जनहितैषी नीतियों के बारे में समझाया। अजय पाल ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर सीने अभिनेता से राजनेता तो बन गए, लेकिन राजनीति में उनकी भूमिका एक मुसाफिर के जैसी रही है। जिस प्रकार मुसाफिर कभी एक जगह नहीं ठहरता, ठीक उसी तरह राज बब्बर भी कभी एक जगह नहीं रुके हैं। उन्होंने कई बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन अलग अलग क्षेत्र से। एक बार एक जगह जब लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया, तो अगली बार उन्होंने दूसरा क्षेत्र बदल लिया। अजय पाल ने कहा कि आखिर उन्हें हर बार क्षेत्र क्यों बदलना पड़ा, इसका कारण यह है कि जनता को उन पर विश्वास नहीं था। जनता जानती है कि वह एक मुसाफिर की तरह है, कभी मुंबई तो कभी विदेश, उनका कोई ठिकाना नहीं है। लोगों को अपने क्षेत्र का विकास चाहिए और विकास केवल स्थायी राजनीतिक यानी राव इंद्रजीत सिंह ही दे सकते हैं। राव इंद्रजीत सिंह पिछले 45 सालों से राजनीति कर रहे हैं और इन सालों के दौरान उनका राजनीतिक क्षेत्र एक ही रहा है। राव एक जाना पहचाना व जांचा परखा व्यक्तित्व है। राव जहां एक एक व्यक्ति को नाम से जानते हैं, वही आमजन भी उनके नाम, काम व व्यक्तित्व से पूरी तरह परिचित है। राव को क्षेत्र की जरूरत का भी पूरा पता है और वह उन्हें पूरा करने में लगे हुए हैं। क्षेत्र का विकास कराने में राव ने कभी कोई कोताही नहीं बरती। अजय पाल ने अपने सकतपुर दौरे में भीषण गर्मी को दरकिनार करते हुए पूरी जान लगाकर कोशिश की कि कोई भी घर न छूट जाए। सभी से हाथ जोड़कर राव इंद्रजीत सिंह को वोट करने की अपील की।